9 जनवरी 2023 ईस्वी बम मुताबिक 16 जमाद सानी 1444 हिजरी। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन, हया जावेद के साथ। नाजरीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। प्रोफेसर रहमान राही आज इस दुनियाई फानी से रहलत पा गए। प्रोफेसर रहमान राही एक शायर, अदीब, मुफक्किर, दानिश्वर, कलमकार और एक अजीम शख्सियत थे। प्रोफेसर राही को कई कौमी अवार्ड से नवाजा गया था। प्रोफेसर रहमान राही के इंतकाल पर वादी कश्मीर की सभी सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने ताजियती पैगाम इरसाल किए हैं और उनकी रहलत वादी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। ये समसार फानी समसार सान सूफी बुजुर्ग जरगर सा अब्दुल अहद जरगर वनान नचे कथ पे हचे यस आंजीर मेचे नश वात कस क्या तदबीर उस यमस मान सफर कर आलमस मज ग ये अमानत लिहाजा मरान कहें सोर उस जहरी वजूद यह पे अरफ यह अत म मौजूद सह पस मकाम पे वातान ये आलम अरवा वनान लिहाजा यह सफर पनान कम सुंद क्या दुत मौजूद यह अदब सरमाय सोन यह गाशुर मुनार यम अदब किस नबस पे गाश तारप प्रजलान बेशि जबानि हूं हरावल तो बे गोडन सो कलमकार रूदमुत यम सशिर जबान सन फल फज तो फाप ले लिहाजा सानि जबान रहमान रही सबुन हक सू सदक जारी ओंद जारी तो सारी लिहाजा सू जानन सारी यम इलमस अदबस लिटरेचरस कलमस सबस्त तम तानन अमिस यम तमि नबर अम इस लिखमुत अत पे गोडनच किताब मज नवरोज सबा उस 50s मम सई दस लाबस 51-52 मत मज़ वेशक लिखम रफगर सुंद सोरी पिक्चराइज करम यनान शकलम कशीर पन तथ नजम लिहाजा नवरोज सबा सह बहार अम रही तम सात पत् नजर मज आव अम पतन लिख मुख्तलिफ किताब कदल ठठस तल लोख सियाह रूद जरन मज लन हुसैनियन हुसैनियात पे लन शाहरग वायत लिहाजा अम स प्रत चीज मलुल सह सरमाय मौजूद पत् सफर कुन द्राव यह सफर आखरी अंद सारे खुद तो अल्लाह ताला करन यह हसना तो दर्जात बुलंद तो बेन अम सावन सुकसान वात अंदेश तथा तक मौला मुतबादल तो लिहाजा रोजान कह मरान युद्ध इंसान कह यह मौजूद यह बाकी अंतल बाकी रोजान इसम तो कलम क्या सानस नबी सबस तलम दस लाबस पे इकरा पर्न तलकिन आव खुदा सबन तरफ दिन इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक रसूल खुदा सल्लम सनत कि कलम अजीम मरतब वोल फरमो रसूल सल्लम अली करम अल्लाह तला वजह सारे खुद बोल अमानत दिन ऐसे अल्लाह ताला कलम अत कर रोश यह अमानत यह अम मज नुन चोन तु सदक जारिया सौमी अमानत आई कही सबन अलम तो कलम सान खुद बराबर फलसफ जानन शौर मशा इनशा पोशन गाश अमु मुतबादल यम जन पसमानदगी गम सम नस्ली अवलाद तम नम सरासत असली अवलाद अम सल मौजूद फसल सोत खसान हरदस लोनुन पे बोल वावन यह रोटेशन मज पकान यह लोस आफ्ताब कलम जारी सारी यह लोस नहन यह इंसान लोसान पम सु बाकी अंतल बाकी यौम जमहूरिया के सिलसिले में वादी कश्मीर
में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकल न रहने की हिदायत दी गई है और इस सिलसिले में जगह जगह पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों मोटरसाइकिल सवार यहां तक कि राहगीरों की जामे तलाशी करते हुए नजर आते हैं। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में परेपुरा हैदरपुरा होमहमा पिरबाग से आए हुए उन दुकानदारों ने एहतजाज किया जिनकी दुकानें 2002 में मुतबादिल दुकानें देने के एवज मिसमार की गई थी। दुकानें तो मिसमार की गई पर इसका मुतबादिल आज तक उन्हें नहीं मिला। हैदरपुरा साइड से, परेपुरा साइड से और मामा साइड से और तिरबाग साइड से, तो यूं ही पीडीपी गवर्नमेंट थी उस टाइम 2002 की, पहला ही दिन था हमारे पास, जनवरी पहला महीना पहला ही दिन था हमारे पास एक फोर्स आ गई। जूं ही फोर्स आ गए और ऑटो में उन्होंने ऐलान किया कि विद इन एक घंटे में अपनी दुकानें खाली कर दो तो डिमोलिश स्टार्ट होगी। उसके बाद में हमने बड़ा जितने भी साहिबान थे, मिनिस्टर साहिबान थे, उनके पास जाके हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम लोगों ने किया तो किया क्या है, इतने साल हो गए हमें दुकानों पे यहाँ पे काम करते हुए, हमारे पास लोन, हमें लोन उस टाइम था और भी मतलब सेल्समैन है बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मसला ये है कि आज के डेट तक कोई हमारा सुनता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ये दिया, जैसे कस्टोडियन में हमें आईटीओ मॉल दिया गया था, उस टाइम उसने स्टोन डाला गया था, मुफ्ती साइड एज ए सीएम थे, फाउंडेशन स्टोन डाली वहाँ पे हमारे पास उसका बाजाबता फोटोग्राफ है, हमारे पास बाजाबता प्रूफ्स है, जब वीडियो भी हमारे पास है जो स्टोन उस टाइम किया, मुजफ्फर बेग साहब ने भी उस टाइम हमारे साथ वादे किए। और लेकिन जो ही उन्होंने दुकानें जब बनी तो उन्होंने बिट निकाली, हम कस्टोडियन जनरल के पास गए, बोला कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाओ, जो उस टाइम मिनिस्टर्स थे, कांग्रेस के पास गए, पीडीपी के पास गए, एनसी के पास, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। लेकिन हमने गुनाह किया तो कौन सा गुनाह किया, तकरीबन हम 400 दुकानें, हमारी सिंपल दिमाग है हमें दुकानें दे दो और हमें रिहैबिलिटेट नहीं जगह, क्योंकि अगर बेरोजगार है हमें रोजगार दे दो ना, अगर गवर्नमेंट वादा कर रही है रोजगार रोजगार, बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं रोजगार रोजगार, तो दे क्या रहे हैं हमें, आज के डेट तक हमें कुछ भी नहीं दिया है। हमारे लोन है जो आज 10 रुपया हमारा उस टाइम था, आज लाखों में वो हमारे मसले मसाइल हो गए। कितने सालों में आपने गवर्नमेंट से अप्रोच किया से? हमें देखिए क्या चीज़ है, जो आज का मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे क्यों आए, हम जिन जिन गवर्नमेंट के पास उस टाइम गए तब तक हमें हर एक गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम आपको दुकानें देंगे, ठीक है, उस टाइम पिरबाग में दुकानें जमीन दिखाया, हैदरपुरा में दिखाया, परेपुरा में दिखाया जो कस्टोडियन जमीन था, लेकिन जो जूंग ऑन द हमारे पास प्रूफ्स भी है, कस्टोडियन जनरल ने जो जमीन लिया हुआ था इनके लिए मतलब रिहैबिलिटेशन ऑफ शॉपकीपर्स के लिए, लेकिन वो मसला ही नहीं, वो फाइल ही कहाँ जाती है वो हमें नहीं पता, लेकिन वी हैव द प्रूफ्स, लेकिन मसला है हम कस्टोडियन ने 6 कनाल जमीन लिया है आपके, उस जमीन पे आज क्या है, वहाँ पे आरएनबी की दफ्तर, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, वो जो वहाँ पे है आरएनबी का, उन्होंने कमरे बनाए, उनके ऑफिस बनाए, अच्छा आईक्यू माल बन गया, वो लोगों के लिए था वो आईक्यूर्स के लिए डिमोलिशन ऑफ शॉप के बाद, अच्छा उधर वहाँ पे और जमीन था, फिर उसके बाद में उसको डिग्री कॉलेज बनाया गया, अच्छा फिर पीरबाग में इन्होंने कहा हम वहाँ पे एक फैक्ट्री एक थी वो भी कस्टोडियन पे थी, बोला कि हाँ वी विल रिहैबिलिटेट दियर, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया, उसका भी कोई सीन नहीं रहा। आपका डिमांड क्या? हमारी इतनी स्मॉल डिमांड है कि हमें दुकान दीजिए, हमारा रोजगार चलना चाहिए, बाकी और कोई हमारे कोई हम नहीं उनसे कोई भीख मांग रहे, जो उन्होंने हमसे वादे किए थे गवर्नमेंट ने उस टाइम हम वो मांग रहे, बाकी और कोई नहीं मांग रहे। जम्मू में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए इंतजामात मुकम्मल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में मरकजी तकरीब की सदारत करेंगे, श्रीनगर में पटनागर परेड पर सलामी लेंगे। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में कायम अमन में अहम रोल अदा किया, सरहदों पर हिफाजती इंतजामात में फोर्सेस अव्वल दस्ता की हसियत रखती है। अनुराग ठाकुर, वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दोस्त कन्वेंशन का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर में 1000 गांवों पर घर में नल से पानी की सहूलियात से मुस्तफीद, 100% इलाकों को दायरे में लाने के लिए खित्ते में जल जीवन मिशन के तहत पेशरफ्त।
पहलगाम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। कई जगहों पर सोमवार को भी इन्हदामी मुहिम के तहत कई ढांचे मिसमार किए गए। भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में हर जगह लोगों का रद्देअमल। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यात्रा को लोगों का प्यार मिला। राहुल गांधी। जनूबी कश्मीर और इसके मुल्हिका इलाकों में तामीराती लकड़ी की अदम दस्तियाबी। दर्जनों कुंभे आशियानों की तामीर से महरूम। खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। मटन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बड़े जानवरों के गोश्त की कीमतों में इजाफा। आम लोगों के लिए बाईस तकलीफ। मुतल्लिका हुक्काम से तवज्जो की अपील। सरकार की जानिब से फंड्स वागुजार न करने का शाखसाना। पेंशन नर्स माहाना पेंशन से अभी तक महरूम। मुश्किलात का सामना आल जम्मू कश्मीर लो पेड एम्प्लॉयज फेडरेशन। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने हवाई अड्डे की सिक्योरिटी से मुतलिक मीटिंग की सदारत की। सांबा में गैस का टैंकर सड़क पर उलट गया। गैस के इखराज से आसपास के इलाकों में खौफ और तशवीश। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस को चौकन्ना रहने की हिदायत दी। यौमी जमहूरिया की तकरीबात में रखना डालने वाले अनासर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। सर्दियों में वादी में दिल का दौरा पड़ने और फालिज के वाकात बढ़ जाते हैं। सख्त सर्दी में ऑक्सीजन का दबाव कम होता है जिससे लोगों को सांस लेने में दुश्वारियां होती है। डॉक्टर्स एसोसिएशन का बयान। भारत आलमी निज़ाम के दर्जाबंदी के तस्वर पर यकीन नहीं रखता है। जहां कुछ ममालिक को दूसरों से बरतर समझा जाता है, जब हम किसी भी मुल्क के साथ शराकत दारी में दाखिल होते हैं तो ये मसावात और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होता है। हमारी कोशिश ये है कि G20 के अंदर इत्तेफाकी राय पैदा किया जाए और एक खुशहाल और पायदार एजेंडे को तश्कील दिया जाए। राजनाथ सिंह। गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दीगर भलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। वादी के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी। रात की शदीद ठंड से अहलियाने वादी को मिली कुछ हद तक राहत। आइंदा 24 घंटों में अबर आलूदा मौसमी सूरत हाल के चलते हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी के जम्मू के कई इलाकों में गहरी धुंध से मामूल की जिंदगी मुतासिर। जम्मू हवाई अड्डे से 4 परवाजें मनसूख। दर्जनों रेलगाड़ियां ताखिर से चली। कई एक को मुअत्तल किया गया। पूंछ के बालाकोट इलाके में कंट्रोल लाइन पर 2 मिलिटेंटों की हलाकत। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी। पूंछ और रजौरी अजला में अमन को दरहम बरहम करने के मुख्तलिफ मंसूबों को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया गया। सरहदों पर फौज अलर्ट। तरंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार ब्रिगेडियर पी आचार्य। किश्तवाड़ में जलजले के हल्के झटके महसूस। रिक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 दर्ज। कोई जानी या माली नुकसान नहीं। कश्मीर में आए रोज आग के बढ़ते वाकात। साल रफ्ता में 2500 वाकात में 1700 ढांचों को नुकसान। 37 अफराद झुलस कर लुकमय अजल। शहरी श्रीनगर में 566 आतशी के वाकात रिकॉर्ड। 414 ढांचों के साथ साथ 33 दुकानों और 13 तजारती मरकज को नुकसान। वज़ीरे इत्तला व नशरियात की जानिब से परेशान कुन फुटेज नशर करने पर टीवी चैनल के नाम एडवाइजरी जारी। खौफनाक रिपोर्ट्स के नताइज से बच्चों पर मनफी नफ्सियाती असरात पड़ सकते हैं। राजदारी पर हमले का एक अहम मसला हुकाम। आखिर में ये खबर कि मुनशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी। अनंतनाग और अवंतीपुरा में 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार।
ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اپنے میزبان حیات جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔